जजों की लंबी छुट्टी पर अक्सर चर्चा होती रहती है, लेकिन ये मामला अब कोर्ट में भी उठ गया जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने भी सुनवाई के दौरान कहा, जजों के पास वीकेंड की छुट्टी नहीं होती, वेकेशन तो भूल ही जाइए। जस्टिस बीआर गवई ने ये उन आलोचकों के लिए कहा जो कोर्ट की लंबी छुट्टी पर अक्सर आलोचना करते हैं। बीआर गवई ने कहा कि हमारी तो छुट्टियां भी जजमेंट लिखने में ही चली जाती हैं। कोर्ट में जजों के वीकेंड और छुट्टियों पर क्या कुछ हुआ, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक केस को लेकर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान जस्टिस गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अगर आप 3 दिनों में बहस पूरी कर लें तो हम गर्मी की छुट्टियों में जजमेंट लिख सकते हैं। कोर्ट ने एक केस को स्थगित करते हुए ये कहा, उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि उन्हें कॉन्फ्रेंस और अन्य कार्यों के चलते शनिवार और रविवार को भी छुट्टियां नहीं मिलती हैं। कोर्ट ने केस को स्थगित करते हुए ये सब कुछ कहा। जस्टिस गवई ने आगे कहा, जो लोग छुट्टियों के लिए जजों की आलोचना करते हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि उन्हें कॉन्फ्रेंस और बाकी कामों के चलते शनिवार और रविवार को भी छुट्टियां नहीं मिल पाती। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक ये चर्चा तब हुई जब जस्टिस गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने को लेकर दायर मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। मामले को अगले दिन के लिए पोस्ट करते हुए जस्टिस गवई ने सुझाव दिया कि 19 मई को गर्मी की छुट्टी के लिए न्यायालय बंद होने से पहले बहस पूरी कर ली जाए ताकि छुट्टी के दौरान फैसला लिखा जा सके। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हल्की पुल्की टिप्पणी करते हुए कहा, मैं अनुरोध करता हूं किसी भी मामले पर छुट्टियां बर्बाद ना करें, क्योंकि आप लोग रोजाना 50 से 60 मामलों को निपटा रहे हैं, आप छुट्टी के हकदार हैं। जस्टिस गवई ने जवाब दिया, हम सिर्फ छुट्टियों के दौरान ही बड़े फैसले लिख सकते हैं, हमारी आधी से ज्यादा छुट्टियां फैसले लिखने में ही चली जाती हैं। इसके बाद तुषार मेहता बोले, जो लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज लंबी छुट्टियां लेते हैं वो नहीं जानते जज कैसे काम करते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, जो लोग आलोचना करते हैं उन्हें ये एहसास भी नहीं कि हमारे पास संडे और सैटरडे को भी छुट्टियां नहीं होती। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा, ये देश का सबसे कठिन काम है। पिछले दिनों जजों की छुट्टियों को लेकर न सिर्फ कई मंचों पर बहस हुई बल्कि खुद जजों ने भी इस पर बयान दिए हैं। 2021 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि इस झूठी कहानी को स्वीकार करना ही मुश्किल है कि न्यायाधीशों का जीवन आसान है। उन्होंने कहा, हम न्यायालय की छुट्टियों के दौरान भी काम करना जारी रखते हैं, जबकि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि लोग छुट्टियों के दौरान न्यायाधीशों की व्यस्त कार्यसूची को समझे बिना उनकी आलोचना करने लगते हैं। चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि वो सभी कहते हैं इनको छुट्टी बहुत ज्यादा मिलती है, लोग ये नहीं समझते कि न्यायाधीश सप्ताह के 7 दिन काम करते हैं, हमारे जिला न्यायाधीश हर दिन काम करते हैं, यहाँ तक कि सैटरडे और संडे को भी उन्हें कानूनी सहायता शिविर लगाना पड़ता है या उन्हें अन्य प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।